Welcome student, how are you all? Fine? Okay, in the last video lecture we discussed about PN junction diode. Okay, fourth chapter हम study कर रहे हैं, semiconductor. The semiconductor के अंदर हमने एक product देखा था, that is the PN junction diode. Basically is this type of semiconductor where the if you passes the current from the one side then it can pass, but if you passes for current from the other side then it cannot pass. मतलब देखिए, अगर this is the सेमी कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर मटेरियल है, तो कंडक्टर में क्या होता है, अगर एक तरफ से आपने यहां से अगर करंट पास किया तो दूसरी तरफ निकलेगा ही, यहां से पास किया तो यहां से करंट निकल जाएगा. लेकिन सेमी कंडक्टर के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इफ यू कनेक्ट इन अ फॉरवर्ड बायस देन करंट इज पास, बट इफ यू कनेक्ट इन अ रिवर्स बायस देन करंट विल नॉट पास. तो ये यूनिट प्रॉपर्टी जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय द कनेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड की ये यूनिक प्रॉपर्टी है. देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से दिखता है. मतलब एक सिलिकॉन वेफर लिया होता है, उसमें एक तरफ हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देते, एक तरफ एन टाइप बना देते. पी टाइप कैसे बनाते, बाय एडिंग द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इस तरफ ऐड करेंगे. तो ट्राइवेलेंट से क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल की नंबर ऑफ होल बढ़ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. आई बात समझ में? सो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी में होगा एंड द होल आर इन माय मेजॉरिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में होगा और होल इन माइनॉरिटी में होगा. सो दोनों तरफ के बीच में एक जंक्शन बनेगा, ये सुनो, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज अ डेप्लेशन रीजन, डेप्लेशन लेयर, उसको हम पोटेंशियल बैरियर भी बोलते थे. आई बात समझ में? क्योंकि इस वाले पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो सकता था. आई बात समझ में? और उसके लिए क्या करना पड़ता था, इफ यू वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड देन यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तभी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या जो कम्युनिकेशन है होल और इलेक्ट्रॉन का जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है, होल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, करंट क्रिएट हो सकता है, इफ यू अप्लाई द एक्सटर्नल करंट देन ओनली. आई बात समझ में? ये सारा हमने बेस पढ़ लिया था. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ द पीएन जंक्शन डायोड इज क्रिएटेड एंड व्हाट अबाउट द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन क्या है और जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या है, वो हमने डिस्कस किया था. उसके आपने थ्योरी जो पीडीएफ भेजी थी उसमें से देख ली होगी. ठीक है, ओके. अब आगे पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड है उसमें कनेक्शन कैसे करते हैं. देखिए, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में कोई टाइप नहीं होता, कंडक्टर को आप कंडक्टर कंडक्टर होता है, उसको आप लेफ्ट साइड से कनेक्ट करें, राइट साइड से कनेक्ट करें, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी से भी साइड से कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज देखिए, पीएन जंक्शन डायोड जो उसका सिंबल इस तरह से हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल. सपोज इस तरह सा कोई कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर. तो कंडक्टर में अगर दो पॉइंट हम माने, सपोज यहां पर ए पॉइंट है, दिस इज द कंडक्टर, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. तो अगर आपने ए साइड पॉजिटिव कनेक्ट किया और बी साइड नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा ए टू बी. ओके, ए टू बी से करंट फ्लो कर जाएगा. लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर बी से कनेक्ट करो फिर बी कनेक्ट बढ़ सकता है, अगर बी से आप करंट कनेक्ट करो तो भी करंट जो है वो बढ़ सकता है. मतलब अगर इसको उल्टा कर दे, मतलब इस वाले कंडक्टर में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर यहां पर पॉजिटिव कनेक्ट किया, यहां पर नेगेटिव कनेक्ट किया, तो करंट इस तरह से बहेगा. ये होता है कंडक्टर्स में, कंडक्टर में कुछ इस तरह से होता है. लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है. देखिए, कंडक्टर में अगर लेफ्ट साइड से आप करंट पास करेंगे बहेगा, राइट साइड से पास करेंगे तो भी बहेगा. लेकिन जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, मतलब ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर है. तो इस वाले सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इफ यू पासिस द करंट इन अ फॉरवर्ड बायस देन ओनली करंट इज पास, बट इफ यू पासिस द करंट इन अ रिवर्स बायस देन करंट इज नॉट पास. तो अकॉर्डिंग टू बायस, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल आप कहां पर कनेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उसके दो टाइप पड़ते हैं, दो कनेक्शन पड़ते हैं. सो द टाइप ऑफ कनेक्शन तो पीएन जंक्शन डायोड के जो कनेक्शन है वो दो तरह के. फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड द सेकंड वन इज रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो तरह के कनेक्शन के टाइप है.
ओके। और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है उसमें क्या करें, जो पी टाइप है उसी के साथ हम पी टाइप कनेक्ट करेंगे और एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। आई बात समझ में, कैसे मतलब पी एन जंक्शन डायोड जो है अगर उसका डायग्राम ड्रॉ करना हो तो मैं पहले फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, द डायग्राम इज लाइक दिस इज द सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद द बैटरी सप्लाई कुछ इस तरह से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी साइड कनेक्ट हो गया और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड कनेक्ट हो गया। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। ये बैटरी जो है, बैटरी का जो पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल था वो हमने एन के साइड कनेक्ट कर दिया, पीएन जंक्शन डायोड के एन के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो एन के साथ कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करते हैं तब देखिए यहां पर देखिए ओरिजिनल जो हमारा है पीएन जंक्शन डायोड कुछ ऐसा था। अब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो फील्ड है वो पॉजिटिव फील्ड आ जाएगा इस साइड, ये सुनो, और यहां पर सारा नेगेटिव फील्ड आ जाएगा। डन है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो यहां पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजोरिटी क्या होते हैं, उसमें मेजोरिटी होते हैं होल्स। तो होल जो है उसकी टेंडेंसी क्या, पॉजिटिव। होल्स पॉजिटिव को पॉजिटिव टेंडेंसी रखता क्योंकि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, तो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर पी टाइप में मेजोरिटी होल है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेंगे। आई बात समझ में। या फिर दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा किस तरह से ये होता है। एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स होगा और यहां पर देखिए क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रिपल्स होगा। आई बात समझ में। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो यहां पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर डिफ्यूज हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर में डिफ्यूज हो जाएंगे, और यहां पर जो पॉजिटिव होल्स है वो डिप्लेशन लेयर में डिफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिप्लेशन रीजन का, देखिए डिप्लेशन रीजन का जो टर्मिनल चार्ज है या टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव होता है, ये सुनो, डिप्लेशन रीजन में, मालूम है ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं तो होल डिफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डिप्लेशन रीजन। और जो हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया वो एक्सटर्नल सप्लाई का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और ये डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ईडी बोलते हैं उसको। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन रीजन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो यहां पर बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर रीजन, कुछ भी बोल सकते हैं, डिप्लेशन रीजन एंड एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट, दोनों कैसे है, अपोजिट टू इच अदर है, अपोजिट टू इच अदर। अब उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट टू इच अदर, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से उसकी जो उसका जो लेयर है वो डिप्लेशन लेयर, वो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगा। सो डिप्लेशन रीजन बिकम थिनर देन अर्लियर, पहले जो था उससे थोड़ा थिन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी, मतलब डिप्लेशन रीजन छोटा हो जाएगा। अगर यहां पर उसका डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर हम डिप्लेशन रीजन का डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड,
तो पहले डिप्रेशन रीजन इतना वाइडर था, अब क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्रेशन रीजन छोटा हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ओके और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, बात समझ में, तो डिप्रेशन रीजन डिक्रीज हो गया, पी और एन टाइप हो गया, यहां से पॉजिटिव आपने कनेक्ट किया था और यहां से नेगेटिव कनेक्ट किया था, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन रीजन डिक्रीज हो गया, डिप्लेशन रीजन कम हुआ, डिप्लेशन रीजन का जो लेंथ था वो डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए डिप्लेशन रीजन जितना होता है उतना ही हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, डिप्लेशन रीजन कम क्यों हुआ मालूम पड़ा, क्योंकि द अपोजिट, देखिए होल है पॉजिटिव, होल और पॉजिटिव रिपल्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे, तो डिप्लेशन रीजन है उसको थिन बना देंगे, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, आई बात समझ में, ये सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, या फिर जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लेशन रीजन एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू इच अदर, दैट्स व्हाई दिस द लेयर इज डिक्रीज, ये जो लेयर है वो डिक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, आसान भाषा में समझना तो ऐसे बोल सकते हैं, देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो डिप्रेशन रीजन है वो कम हो जाएगा, सिमिलरली यहां पर होगा, यहां पर डिप्रेशन रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक नेगेटिव इलेक्ट्रिक से अट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये जो डिप्रेशन रीजन है वो कम हो जाएगा, आई बात समझ में, अब डिप्रेशन रीजन डिक्रीज होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिप्रेशन रीजन बिकम थिन और द लेंथ ऑफ द डिप्रेशन रीजन इज डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो डिक्रीज पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा कैसे देखिए पहले क्या होता था अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो कुछ इतना आपको पोटेंशियल बैरियर लगता था यस और नो अकॉर्डिंग टू डिप्लेशन रीजन हमने डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात की थी मतलब सपोज अगर आपको यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पास करना हो या फिर होल जो है वो पास करता हो तो आपको ये डिप्लेशन रीजन जो है वो पार करना पड़ता था मतलब उतना वी नीड वो डिप्लेशन रीजन के जितना हमें पोटेंशियल बैरियर चाहिए उतना पोटेंशियल एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता था इफ यू वांट टू कम्युनिकेट द करंट अगर करंट पास करना है तो लेकिन अब क्या होगा देखिए डिप्लेशन रीजन कम हो गया इफ द डिप्लेशन रीजन इज डिक्रीज देन द पोटेंशियल बैरियर इज डिक्रीज अब पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया तो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होगा तो भी करंट पास हो जाएगा मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो गया ये पहले वाला पोटेंशियल बैरियर था अब पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर इज डिक्रीज ड्यू टू डिप्लेशन रीजन इज बिकम थिन डिप्लेशन रीजन जो है वो थिन हो गया आई बात समझ में सो इसलिए क्या होता कि इस वाले कनेक्शन में जो करंट है वो आसानी से बहता हो सो इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कनेक्शन करंट फ्लो इजिली ओके और जो हमारा आइडियल है आइडियल डायोड में क्या होता है विदाउट एनी वोल्टेज ड्रॉप करंट पास इन फॉरवर्ड बायस तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है विदाउट एनी वोल्टेज ड्रॉप करंट पास हो जाता है अगर आपका जो डायोड है वो आइडियल डायोड रहा तो आई बात समझ में तो देयर इज टू टाइप ऑफ कनेक्शन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड है उसका पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं आई बात समझ में उसकी वजह से दो अच्छी चीज होते टू पॉइंट इज मेन देखिए फॉरवर्ड बायस अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है वैसे तो तीन डायग्राम है लेकिन तीन में से ये दो तो कंपलसरी है डायग्राम
ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये मतलब ये तीन हो जाएंगे वैसे, इसको भी कंसीडर करो, दिस इज द ए डायग्राम बी एंड सी, दिस थ्री डायग्राम इज कंपल्सरी, ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा लेकिन ये तो डायग्राम ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ओके सो तीन डायग्राम आ जाएंगे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है उसका डेफिनेशन, फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करना है, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन द एक्शनल फील्ड इज अपोजिट टू द डिप्लेशन रीजन फील्ड, डिप्लेशन रीजन का जो फील्ड है वो पॉजिटिव को नेगेटिव इस तरफ है और एक्सटर्नल नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव इस तरफ है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। ओके तो उसका एक सेंटेंस इंपोर्टेंट आ जाएगा, वो अपोजिट साइड में उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द अपोजिट साइड द डिप्लेशन रीजन बिकम थिनर, डिप्लेशन रीजन जो है वो थिन हो जाता है, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। आई बात समझ में, डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, डिप्लेशन रीजन कम हो गया तो उसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर जो है वो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले जो जितना आपको पोटेंशियल चाहिए रहता था, जो इनिशियल पोटेंशियल इतना चाहिए रहता था, सपोज यहां से पोटेंशियल रीजन बढ़ता है जैसे ऊपर जाते तब, तो पोटेंशियल अब कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए, होल में से इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए अब आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल कम चाहिए, मतलब कि जो पोटेंशियल बैरियर था वो कम हो गया, मतलब हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को पास करना है या करंट पास करना है तो इतना यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा पोटेंशियल बैरियर के जितना या डिप्लेशन रीजन के जितना, तो पोटेंशियल बैरियर कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा, मतलब आसानी से करंट बह सकता है। आई बात समझ में, जो करंट है वो आसानी से यहां से यहां बह सकता क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन जो है वो कम हो गया, स्पीड ब्रेकर कम हो गए, पहले स्पीड ब्रेकर ज्यादा थे अब स्पीड ब्रेकर कम है तो आसानी से जा सकते हैं रोड पे। आई बात समझ में, ठीक वैसे का वैसा ही है। सो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में क्या होता है, करंट इजीली पास हो जाता है और अगर आपका आइडियल डायोड है तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ना के बराबर होगा, जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें देखेंगे लेकिन इस वक्त ये है। तो देखिए ये फॉरवर्ड बायस अगर आप यहां से कुछ नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट रिवर्स बायस कनेक्शन देखते हैं, तो चाहो तो कुछ नोट डाउन कर सकते हो, कलिया हो तो आगे बढ़ते हैं, कलिया ठीक है ओके। अब देखिए जो रिवर्स बायस कनेक्शन है उसमें क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके रिवर्स बायस कनेक्शन है उसमें इससे उल्टा होगा, रिवर्स बायस में जहां पर पॉजिटिव है वहां पर पॉजिटिव नहीं आएगा और चेंज हो जाएगा। अब देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन, तो रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होगा, रिवर्स बायस कनेक्शन उसमें क्या होता है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड, तो उसको नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रिवर्स कर दिया। देखिए यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था वो कनेक्शन हो गया नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप जो था वो कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो दिस चीज को बोलेंगे रिवर्स बायस कनेक्शन। अब देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होगा, तो यहां पर पी साइड क्या आ जाएगा नेगेटिव, सो यहां पर सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात समझ में, सो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन दिख रहा है वो दोनों एक तरफ हो जाएंगे। देखिए डिप्लेशन रीजन जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिरेक्शन में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस डिरेक्शन में है और बाहर का मतलब जो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट किया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डिरेक्शन में है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डिरेक्शन में है, मतलब एक्सटर्नल या एक्सटर्नल और ईडी दोनों एक ही डिरेक्शन में हो गए, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
डेप्लेशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डिरेक्शन, दोनों सेम डिरेक्शन में है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द सेम डिरेक्शन द डेप्लेशन रीजन बिकम वाइडर देन इनिशियल। डेप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। ओके, सो डेप्लेशन लेंथ ऑफ द डेप्लेशन रीजन इज इंक्रीज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द डेप्लेशन रीजन बिकम वाइडर देन इनिशियल, डेप्लेशन रीजन बढ़ जाएगी। यहां पर सेंटेंस लिख लेते हैं, डेप्लेशन रीजन लेंथ ऑफ डेप्लेशन रीजन, लेंथ ऑफ डेप्लेशन रीजन इंक्रीज, लेंथ ऑफ डिप्रेशन रीजन इंक्रीज, डेप्लेशन रीजन जो है उसकी लेंथ जो वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए डेप्लेशन रीजन की लेंथ इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से जो आपको ये इनिशियली ऐसा था, मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिसमें कोई फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कनेक्शन नहीं है, तब ऐसा दिखता था। अब देखिए जब कनेक्ट कर दिया तो उसकी डेप्लेशन रीजन जो है वो पहले से वाइड हो जाएगी, मतलब अब हो गई डेप्लेशन रीजन कुछ इस तरह से। मतलब अगर यहां पर जो नेगेटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, और ये जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव, मतलब डेप्लेशन रीजन पहले से बढ़ गया, दिख रहा, पहले से ज्यादा वाइड हो गया, इतना ये डेप्लेशन रीजन इतना बढ़ गया। This is the length of depression region. तो depression region बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा? So potential barrier also increase. Potential barrier भी बढ़ेगा। Potential barrier क्यों बढ़ेगा? देखिए potential barrier बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? Suppose पहले आपको करंट पास करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए था, दिस इज द इनिशियल वोल्टेज, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था उसमें पोटेंशियल बैरियर इतना था सपोज, तो आपको इतना वोल्टेज चाहिए करंट पास करने के लिए। अब क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा तो ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, मींस यू रिक्वायर मोर वोल्टेज टू पास द करंट। अब करंट पास करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, मतलब यहां से सपोज यहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होल है, तो होल को डिफ्यूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए प्रैक्टिकली तो ऐसा है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, जो दोनों डिरेक्शन है वो सेम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन, इसलिए जो ये जो डेप्लेशन रीजन है वो वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जो माइनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन है, हियर द माइनॉरिटीज इज इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटीज में होंगे और यहां पर होल जो है वो माइनॉरिटीज में होंगे। अब जो माइनॉरिटी होल से वो रिपल्स करके डेप्लेशन रीजन में चले जाएंगे, आई बात समझ में, और यहां से जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्स करके यहां डेप्लेशन रीजन में आ जाएंगे, तो डेप्लेशन रीजन जो है वो चौड़ा हो गया, क्योंकि द डिफ्यूजन प्रोसेस, हमने पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ा था तब स्टार्टिंग में बात की थी कि दो चीज यहां पर होती है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन कैसे होगा, जो होल है वो इलेक्ट्रॉन से फिल कर जाएंगे, मतलब द होल ऑफ द पीएन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फिल्ड बाय और डिफ्यूज बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी वजह से ये जो वाइडर जो लेंथ है वो वाइड हो जाती है, आई बात समझ में क्या हुआ, यस नो, ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो गए और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव फील्ड से अट्रैक्ट हो गए, इसलिए ये जो डेप्लेशन रीजन है वो वाइड हो गया,
कोई भी तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट, जो कोर कंसेप्ट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए उसका टोटल हुआ। हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। ये सुनो, फोर्स की तरह ही है। सपोज इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया और वापिस उसी के डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाया, तो फोर्स का टोटल हो गया ना। एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी वही होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था डिप्लेशन रीजन का, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आया, तो जो डिप्लेशन रीजन का फील्ड था वो बढ़ गया, इसलिए जो डिप्लेशन रीजन है वो वाइड हो गया। आई बात समझ में? इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, और पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया इसकी वजह से, सो फोर पासिंग द करंट फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड वी नीड मोर पोटेंशियल वोल्टेज, अब पोटेंशियल ज्यादा चाहिए क्योंकि अब चौड़ाई बढ़ गई है, रीजन बढ़ गया, स्पीड ब्रेकर बढ़ गया तो क्या होता है, आपकी स्पीड कम होगी। ये सुनो, रोड पे जा रहे हो, सपोज स्पीड बढ़ गए, स्पीड ब्रेकर जो है वो बढ़ गए, अगर ज्यादा स्पीड ब्रेकर है तो आपकी स्पीड कम आएगी ना, आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा जाने के लिए, बाइक चलाने के लिए। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से ही है। तो यहां पर जो डिप्लेशन रीजन है वो वाइड हो गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, उसकी वजह से रिवर्स बायस में करंट बहना आसान नहीं होगा। आई बात समझ में? मतलब यहां पर करंट अगर आपको पास करना है तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, और कई बार क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने से भी करंट पास नहीं होता, तो और वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, अगर लिमिट से ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसलिए आइडियल डायोड जो है उसमें तो ऐसा ही होता है, जो हमारा आइडियल डायोड है, इन आइडियल डायोड करंट विल नॉट पास थ्रू रिवर्स बायस कनेक्शन। मतलब रिवर्स बायस कनेक्शन में करंट पास नहीं होता, अगर होता भी है तो वो, अगर आइडियल डायोड ने नॉर्मल डायोड की बात करें तो वो रिवर्स बायस कनेक्शन में जो करंट है, मतलब करंट इन रिवर्स बायस कनेक्शन, वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज नियर अबाउट 10^-6 एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर में होता है। रिवर्स बायस कनेक्शन में जो करंट बहता है वो माइक्रो एम्पियर में, 10^-6 एम्पियर में करंट बहता है। आई बात समझ में? अगर फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट था, इन फॉरवर्ड बायस मतलब आई फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन है ना वो मिली एम्पियर में होता है। फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन किस में होता है? मिली एम्पियर्स में। और हमारे जो रिवर्स बायस है उसका जो कनेक्शन है वो होगा आपका, रिवर्स बायस कनेक्शन में जो करंट बहता है वो होता है माइक्रो एम्पियर में। आई बात समझ में? और इस वाला होता है मिली एम्पियर में, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन, इसमें भी तीन फिगर्स आएगी, ए, दिस इज बी एंड दिस वन सी, पोटेंशियल बैरियर वाली। ओके, सो ये तीन फिगर आपको ड्रॉ करनी है। और डेफिनेशन कैसे लिखे गए रिवर्स बायस कनेक्शन की, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड द नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, द डिप्लेशन रीजन बिकम वाइडर देन अर्लियर। डिप्लेशन रीजन वाइडर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट पास यहां से यहां करंट पास नहीं हो पाएगा। अगर करंट पास करना है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए,
इसलिए यहां पर करंट बहुत ही स्लो पास होता, नियर अबाउट 10^-6 माइक्रो एम्पियर में पास होता है, फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में पास होता था, तो 1000 का डिफरेंस हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स में। आई बात समझ में? सो दिस द टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ कनेक्शन इन अ पीएन जंक्शन डायोड। इसके बेस्ड ऑन इसकी एक और क्वेश्चन आता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कनेक्शन। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसमें अगर कुछ नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि एक्सप्लेन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन बायस कनेक्शन, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक काम कीजिए, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो देख लेते हैं। क्लियर? ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो फिर साथ साथ में ये क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है, और साथ में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कनेक्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसको बोलेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, कई बार वीआई बोलते हैं, कई बार आईवी बोलते हैं, आईवी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो कैसे है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वाई एक्सिस पे जो हमारा करंट है वो ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज। तो यहां पर वोल्टेज है और यहां पर है हमारा करंट। आई बात समझ में? अब देखिए, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में दोनों में क्या होता है, दोनों के लिए हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कनेक्शन दोनों में अंदर क्या होता है। देखिए, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन इन अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करंट इज पास बट वी रिक्वायर द मिनिमम पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि पोटेंशियल बैरियर मिनिमम क्यों चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में डेप्लेशन रीजन जो है, डेप्लेशन रीजन, डेप्लेशन रीजन वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। ये सुनो, थिन डेप्लेशन रीजन हो जाता है, और थिन होता है उसकी वजह से क्या होता है, वी रिक्वायर लो पोटेंशियल बैरियर, वी नीड लो पोटेंशियल फॉर करंट। करंट पास करने के लिए पोटेंशियल कितना चाहिए, बहुत ही कम पोटेंशियल चाहिए। तो उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। शुरुआत में क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस अभी स्टार्ट किया है, शुरुआत में क्या होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो वाइड होता है, तो आपको मिनिमम वोल्टेज चाहिए करंट पास करने के लिए। पहले वाइड होता फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब डेप्लेशन रीजन शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट आसानी से बढ़ पाएगा। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, फिर सडनली जो करंट है वो एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार डिप्लेशन रीजन सपोज यहां से शुरू करें तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, मतलब 0.6 से ज्यादा 0.7 के करीब करीब जो करंट है वो बहुत ही आसानी से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में डिप्लेशन रीजन वाइड है तो करंट नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन रीजन जो है वो थिन होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिप्लेशन रीजन कम होगा तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा, मिनिमम पोटेंशियल बैरियर चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो आसानी से पास होता रहेगा, इसलिए करंट जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। जब करंट एकदम से बढ़ जाता है उस वाले वोल्टेज को बोलते हैं हम कट ऑफ वोल्टेज, उस वाले वोल्टेज को क्या बोलेंगे, कट ऑफ वोल्टेज। व्हेन द करंट सडनली इंक्रीज दैट वोल्टेज इज कट ऑफ वोल्टेज, उसको बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज।
आई बात समझ में? तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में ये कट ऑफ वोल्टेज होता है जहां पर जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो आसानी से बढ़ जाता है। नियर अबाउट जो हमारा अगर सिलिकॉन डायोड की बात करें, मतलब ये जो मटेरियल सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन डायोड की हम डिस्कस करें तो सिलिकॉन डायोड में ये नियर अबाउट 0.6 और 0.8 के बीच में, मतलब नियर अबाउट 0.7 बोल सकते हैं, उसके करीब होता है। जब ये कट ऑफ वोल्टेज जो है 0.7 के करीब होता है, करंट सडनली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज फॉर द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, कुछ इस तरह सा ग्राफ है। देखिए अब रिवर्स बायस के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग सेम डायरेक्शन में हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बिकम वाइडर, डिप्लेशन रीजन जो है वो वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वी रिक्वायर हाई पोटेंशियल वोल्टेज, हाई पोटेंशियल चाहिए, किस लिए, करंट पास करने के लिए हाई पोटेंशियल चाहिए। और हाई पोटेंशियल की वजह से क्या हो जाता है, देखिए स्टार्टिंग में अगर वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट है वो बढ़ेगा ही नहीं, माइक्रो एम्पियर में रहेगा, बहुत ही छोटा करंट बढ़ेगा ही नहीं। वोल्टेज बढ़ा दे जाओ मतलब यहां पर 20, या देखिए यहां पर पॉइंट में था, दिस इज द पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटा वोल्टेज है। अगर आपने मतलब बढ़ाते गए रिवर्स बायस में, बढ़ाते गए वोल्टेज, बढ़ाते गए 20 कर 20 40 60 80 100, मतलब इस तरह से वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। तो सपोज बढ़ाते गए एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज यहां से करंट बढ़ेगा ही नहीं, बहुत ही छोटा करंट पास होगा, माइक्रो में पास होगा, मतलब यहां पर जो करंट होता है ना वो माइक्रो एम्पियर में होता है रिवर्स बायस में, यहां पर जो करंट बढ़ता है वो मिली एम्पियर में करंट बढ़ता है फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में करंट बहेगा लेकिन बहुत ही छोटा करंट बहेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिस थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज बढ़ेगा वैसे। लेकिन कैसा होता कि वोल्टेज बढ़ाते गए, मतलब वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे, बैटरी होता है उसके साथ एक स्टेबिलाईजर आता है, जैसे हमारा रेगुलेटर होता है ना, फैन का रेगुलेटर होता है उसी तरह। आप फैन में कैसा होता कि आप बढ़ा सकते हैं एक पे दो पे तीन पे पांच पे ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वैसे ही वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जो हमारी बैटरी आता है उसमें वेरिएबल रजिस्टर आता है तो वहां से आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाते गए ओके, तो पहले 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया, 60 70, एक बार ऐसा आता कि करंट बढ़ा लेकिन उसके बाद सपोज 80 है तो 80 के बाद करंट जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ओके, ये रिवर्स बायस का ही ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें आप अपोजिट सेम डायरेक्शन में वोल्टेज देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ये डिप्लेशन रीजन वाइड होता है, इतना वाइड हो जाता है कि एक बार सडनली जो सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे एक वोल्टेज के बाद, और सडनली जो करंट है वो कोलैप्स कर जाएगा, सडनली पीएन जंक्शन डायोड कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ा गया ना तो पीएन जंक्शन डायोड डैमेज भी हो सकता है। तो जब करंट सडनली बढ़ जाता है उस वाले वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन आफ्टर 80 वोल्टेज करंट सडनली इंक्रीज एंड दैट वोल्टेज इज ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। आई बात समझ में? सॉरी फॉर द राइटिंग मेरा गांधी जी जैसा है जैसे, ओके, सो दैट इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होगा, करंट जो है वो सडनली बढ़ जाएगा। अगर उससे भी वोल्टेज बढ़ा दिया ना, कि अगर हाँ करंट तो बढ़ ही नहीं रहा लेकिन ब्रेकडाउन के बाद भी आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाएगा। सो इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज, इफ वोल्टेज अप्लाइड मोर देन
ब्रेक डाउन देन डायोड डैमेज, डायोड जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस द टू थिंग्स, वैसे तो तीन चीज डिस्कस किया लेकिन एक हमने डिस्कस किया कनेक्शन के बारे में, पूरा कनेक्शन के बारे में था, पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दो तरह से कनेक्शन करते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन। फॉरवर्ड में करंट आसानी से बढ़ता है, रिवर्स में आसानी से नहीं बह पाता। और उसके बाद हमने बात की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस की थी और ये है रिवर्स बायस की, दोनों साथ में ग्रो किए क्योंकि साथ में आते हैं। So this is the forward bias connection, forward bias characteristics, this is the reverse bias characteristics. आई बात समझ में? यहाँ पर जो voltage है वो verify होते हैं, वो देखना। यहाँ पर 2080 है, ऐसे points में है, यहाँ पर points में है, 0.4, 0.6, 0.8 ऐसा है। और ये कुछ points है जो note down चाहो तो कर सकते हो। आई बात समझ में? Forward bias में एक होता है cut off voltage जहाँ से current suddenly बढ़ता है, और इसमें होता है breakdown voltage जहां से करंट बढ़ता है लेकिन वो ज्यादा वोल्टेज पे मिलता है। देखिए 80 वोल्टेज पे मिलेगा, यहां पर तो 0.7 0.6 छोटे वोल्टेज पे मिल जाता है कट ऑफ वोल्टेज, डन है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आप नोट्स भी बना लीजिएगा, जो हमने पीडीएफ भेजी थी वहां से बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक में से बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।